हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मैं हूं प्रणीत मेहता, डायरेक्टर जेएमडीआई डिफेंस एकेडमी। आप लोगों के सामने वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएमडीआई डिफेंस एकेडमी। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर रहा हूं, दैट इज स्टूडेंट्स, कि क्यों बच्चे एनडीए ज्वाइन करते हैं फिर एनडीए से बाहर निकल जाते हैं। कहने का मतलब है एनडीए छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं एनडीए। इतनी मेहनत करी रिटर्न्स निकालने में, इतनी मेहनत करी एसएसबी निकालने में, सिलेक्ट हुए उन 6 लाख लोगों में से 330 बेस्ट कैंडिडेट्स में से निकल के आए, वहां पहुंचे। चांसेस बहुत कम होते हैं कि ऐसे बच्चे जो कि इतने सब कुछ फेस करके वहां पहुंचे वो रिजेक्शन दें या क्विट करें एनडीए, बट करते हैं। हर बार सुनने में आता है कि 4-5 बच्चे, कहीं बार 10 तक बच्चे होते हैं जो कि एनडीए छोड़ के वापस आ जाते हैं, कहीं तो 1-1 साल बाद भी छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कि ऐसा होता क्यों है? गाइस, हम लोग एक सपना देख के जाते हैं, हमें देश के लिए करना है, ये करना है, हमें वो करना है, एडवेंचरस लाइफ होगी, तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है। बट जो रियलिटी है जिसमें हमें खुद काम करना है, हो सकता है कभी कभी हमें सिर्फ 2 घंटे सोने को मिले, कभी कभी पूरे हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे सोने के लिए मिले। सुबह से उठ के रात तक रेला बना पड़ा है, हमें काम करना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ रही है, बैंड बजी पड़ी है। सोचा तो हमने बहुत कुछ, हम ऑफिसर बनेंगे, बट उस ऑफिसर बनने के लिए जो जद्दोजहद है उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो जब ये चीज होगी तो प्रॉब्लम आएगी। एंड इसके लिए मैं जब छोटा था, व्हेन आई वाज छोटा, मैं क्या बोलूंगा, मैं 23-24 साल का था जब अपने पहले जॉब पे गया था, तो वहां पर मैंने एक कोटेशन लिखी दिखी थी विच आई थिंक इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। और वो कोटेशन थी, इट्स नॉट द बॉडी विच गेट्स टायर्ड, इट्स ऑलवेज द माइंड। कहने का मतलब है शरीर कभी नहीं थकता। हम जो ह्यूमन लोग बने हुए हैं यार, हम लोग 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करने वाले बने हुए हैं। अभी बीच में देहरादून में बहुत गर्मी होगी थी और मेरे घर पर मेरी वाइफ ने बहुत हल्ला किया, ए सी लगवा दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एंड तभी मैंने दिखाया एक प्रेग्नेंट लेडी, 7 मंथ्स प्रेग्नेंट होगी, वो 12 ईंटे उठा के अपने इसके ऊपर वो चल रही है, 3 फ्लोर्स ऊपर काम कर रही है एक बिल्डिंग के अंदर। ये पूरा गेम दिमाग का है। अगर वो लेडी अभी सोच ले हाय मेरे बच्चे कुछ हो जाएगा, मैं नहीं कर सकती, बॉस भूख नहीं करने देती, वो रात को खिलाएगी क्या बच्चे को, अगर काम नहीं करेगी? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, शरीर हमारा जो ऐसा है वो हर चीज कर सकता है। वो 10 दिन अगर नहीं सोए तब भी आप जिंदा रहेंगे, आप ये चीज कर ले, कुछ भी कर ले। दुनिया के बड़े बड़े जो माउंटेनियर्स बने हैं, लोगों ने अपने अपने पैर काट दिए सिर्फ सोच के चक्कर में कि हमें जिंदा रहना है, ये जहर नहीं फैलना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इट्स द बॉडी विच नेवर गेट्स टायर्ड, इट्स ऑलवेज द माइंड। तो माइंड का मतलब है कि हार नहीं माननी है, सोचना नहीं कि नहीं हो सकता, अरे हो सकता है, होगा, जरूर होगा। प्लीज हार मत मानिए, अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाइए, और जब जब लगे कि यार दिमाग हार रहा है तो बोलिए इट्स नॉट द बॉडी विच गेट्स टायर्ड, इट्स ऑलवेज द माइंड। और मैं इसको हार नहीं दूंगा, क्योंकि एनडीए में जाके आपकी जंग शारीरिक नहीं सिर्फ मानसिक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।